Hello students, welcome to US Foundation, myself Dr. Vikas. Previous class में हमने जाना था कि जॉन्डिस कैसे होता है, किन वजह से होता है, क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम है. फर्दर क्लासेस में हमने जाना था कि टाइप्स ऑफ जॉन्डिस कितने तरह का होता है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं. अब हम जानेंगे कि अगर जॉन्डिस हो गया है तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जॉन्डिस ही है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम मैच करते हैं दूसरे डिजीज से भी. बेसिकली जॉन्डिस हमको पता है कि ये एक लिवर डिजीज है, तो मेन फोकस जो है वो लिवर पे रहता है, उसी से कुछ ना कुछ पता और क्लू लगता है. सबसे पहला तो इसका नाम ही है पीलिया, तो मेन क्लू अगर डॉक्टर देखे तो सबसे मेन क्लू जो है इसका वो होता है डिसकलरेशन ऑफ स्किन. येलोइश कलर हो जाता है कंजक्टिवा, स्क्लेरा का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, जीभ और ये सब में और स्किन में. जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ब्लूरूबिन का डिपोजिशन अगर स्किन में होता है, बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन स्किन में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, हमारे स्क्लेरा में होता है, तो वहाँ का जो है कलर जो है वो येलोइश दिखने लगता है. तो सबसे पहला क्लू अगर डॉक्टर देखेगा तो सबसे पहला क्लू यही देखेगा कि द येलोइश ऑफ स्किन एंड आईज आर लाइकली टू बी मेन क्लू फॉर ए डॉक्टर. सबसे बेसिक है कि हाँ कलर देखे, हाँ येलोइश है तो कहीं ना कहीं ये जॉन्डिस के लक्षण दिख रहे हैं. नेल्स में दिखेंगे, स्क्लेरा में दिखेगा, मुंह में म्यूकस मेम्ब्रेन में दिखेगा और स्किन में दिखेगा, ये सारे जो हैं वो येलोइश दिखेंगे इसमें. इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन अगर चेक करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पैर हाथ में सूजन आएगा, एंकल्स में सूजन आएगा, स्वेलिंग आएगा. अब ये एक रिलेटेड डिजीज है जॉन्डिस से रिलेटेड. मैंने बहुत सारे पार्ट में बताया था, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, जिसमें मैंने बताया था प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक. तो इंट्रा हेपेटिक केस में क्या होता है कि लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम होता है. लीवर सिरोसिस एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है जिसमें लीवर में श्रिंकेज आ जाता है या कहिए फाइब्रोसिस हो जाता है, और जिसकी वजह से टिप से लेकर टो तक उसका सिम्टम आता है, एसाइटिस होता है. और उस अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इवन दो पेशेंट डेथ कर जाता है. तो लीवर सिरोसिस का हम स्वेलिंग से एंकल वगैरह में जॉन्डिस के साथ अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर जॉन्डिस में स्वेलिंग है, पैर हाथ में स्वेलिंग है, एंकल्स में स्वेलिंग है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो लीवर सिरोसिस से रिलेटेड है. इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है उसको हम बोलते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट. LFT बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि LFT में हमको ब्लूरूबिन का लेवल पता चलता है. ब्लूरूबिन का 0.2 से 0.8 mg पर dl से अगर ज़्यादा होता है, कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड ब्लूरूबिन अगर ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं जॉन्डिस के कारण से हो सकता है. और भी एंजाइम का LFT से पता चलता है, जैसे ALT, LDH, SDL, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा चीज़ जो है वो लीवर फंक्शन टेस्ट से पता चलता है. और लीवर फंक्शन टेस्ट एक बेसिक टेस्ट है जॉन्डिस के लिए, बहुत ही जॉन्डिस के लिए बहुत ही SGOT, SGPT ये सब जो है ये सारा जो है ये टेस्ट जो है वो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर ही आता है. और इससे हमको एक बेसिक, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आपके जॉन्डिस के लक्षण हैं तो सबसे पहला टेस्ट जो वो कराएगा फिजिकल एग्जामिनेशन और आपके साइन एंड सिम्टम पूछने के बाद, क्लिनिकल साइन देखने के बाद सबसे पहला टेस्ट जो लिखेगा वो है LFT. LFT के बाद एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है जो कि हर एक टेस्ट का एक मतलब समझिए कि एक गॉडफादर है, जो कि बताता है बॉडी में कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी है, वो है CBC. CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट. इसमें आपको अगर जॉन्डिस है तो इसमें अनेमिया का दिखेगा, आयरन की कमी दिखेगी, अनेमिया दिखेगा इसमें. तो
बेसिक ये टेस्ट है। इसके बाद अगर सीवियरिटी के बेसिस पे देखें कि जॉन्डिस का सीवियरिटी क्या है, प्री हेपेटिक है, इंट्रा हेपेटिक है, पोस्ट हेपेटिक है, किस तरह का दिक्कत है, ये तो आपको बिलिरुबिन का लेवल पता चल गया। लेकिन उसकी वजह से क्या डैमेज हुआ क्या नहीं, लीवर में कोई स्वेलिंग आई है नहीं आई है, लीवर का पैरेन्काइमा कैसा है, लीवर के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेज आया है कि नहीं, उसको कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने का दो तरीका है। एक फाइन है, एक है अल्ट्रासाउंड, यूएसजी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यूएसजी करते हैं। यूएसजी में क्या होता है कि हमको शेप एंड साइज सबका मिल जाता है, एब्डोमिनल शेप एंड साइज, बहुत सारे ऑर्गेन जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गेन हैं वो सारे के शेप एंड साइज, उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है एबनॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी कितनी है, साइज अगर बढ़ा है तो कितना है, अगर लीवर का है तो लीवर में बता सकता है फैटी ग्रेड वन है, ग्रेड टू है, ग्रेड थ्री है, तो ये सारी चीज़ें जो है यूएसजी से क्लियर होता है। इसके बाद आता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन एक फाइन स्कैन है, इसके बाद का एक समझिए कि एक ग्रेड ऊपर वाला है। अगर यूएसजी के बाद अगर क्लियर नहीं होता है तब सिटी स्कैन कराते हैं। कितने डॉक्टर डायरेक्ट सिटी स्कैन कराते हैं, तो ये भी एक मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद मैंने एक ध्यान देने वाली बात है कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पोस्ट जो ये जॉन्डिस होता है, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में मैंने बताया था कि एक पैंक्रियाटिक कैंसर का भी चांसेस होता है, इसमें पैंक्रियाज में कैंसर हो जाए ये भी चांसेस होता है जॉन्डिस में, तो उस केस वो बड़ा ही डेंजरस केस है। कैंसरस स्टेज में जाने के बाद पेशेंट बहुत ही कम बचता है और इसी की वजह से डेथ हो जाती है, हेमोलाइसिस वगैरह का केस होना शुरू हो जाता है इसी में। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने का तरीका एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड क्लेंजोफेंजियो पैंक्रियोटिग्राफी ECRP जिसको बोलते हैं, ये एक टेस्ट से हमको पैंक्रियाज का कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसके अंदर कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है या बेनाइन कंडीशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ये टेस्ट से पता चलेगा। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कलेंगियो पैंक्रियोटोग्राफी ECRCP। इसके बाद भी फर्दर और भी डिटेल केसेस हैं, अगर आप डॉक्टर को बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत है तो उसमें MRI का केस बनता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें पूरी बॉडी एक मशीन के अंदर जाती है और एक एकदम पार्ट बाय पार्ट एकदम अंदर की चीज़ें जो है वो निकल के बाहर आती है। एक केस है बायोप्सी का केस, हम क्या करते हैं बायोप्सी हम कब करते हैं, जब हमको लगता है कि नहीं ये कैंसरस स्टेज में है, कहीं ना कहीं कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं लीवर में, तो हमको लीवर बायोप्सी की ज़रूरत होती है। इसमें पंच की तरह निकाल के और बायोप्सी की जाती है और उसके अंदर उसके पैरेन्काइमा की डिटेल स्टडी की जाती है कि कोई कैंसरस स्टेज या कैंसरस सेल्स तो ग्रो नहीं कर रहा है, तो लीवर बायोप्सी करते हैं। और दो कॉमन है, स्टूल के जरिए निकलता है ब्लूरूबिन, या यूरिन के जरिए डार्क कलर यूरिन कर देता है, ब्लूरूबिन के लेवल अगर यूरिन में बढ़ता है तो स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी करते हैं। तो बेसिकली यही सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं जो कि डायग्नोसिस में फॉलो करना होता है, जो कि मेरे हिसाब से अगर बेसिक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है पेशेंट को, तो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट अगर बोले ये डायग्नोसिस पाथ बोले तो लीवर फंक्शन टेस्ट CVC, और बहुत ज़्यादा होगा तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ये तीनों टेस्ट जो है SGOT SGPT, ये सारे टेस्ट जो है इसके अंदर आते हैं, साथ ही साथ कुछ साइन एंड सिम्टम और ये सारी चीज़ें जो दिखती हैं इससे कन्फर्म होते कि ये जॉन्डिस है। सो स्टूडेंट्स, फर्दर क्लासेस में आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ जॉन्डिस, राइट नाउ आई हैव डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक पार्ट ऑफ जॉन्डिस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास।